गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ अ फोर्थ चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कलेक्ट डेटा, देन आफ्टर दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज और क्लासीफाई द डेटा. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो हाउ टू प्रेजेंट द डेटा. सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ डेटा आर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड. एज data are generally voluminous, they need to be put in a compact and presentable form. This chapter deals with the presentation of data precisely so that the voluminous data collected could be made usable readily and are easily comprehended. There are generally three forms of presentation of data. There are textual or descriptive presentation, tabular presentation and diagrammatic presentation. Now let's come to the first, textual presentation of data, which is also known as descriptive presentation. In textual presentation, data are described within the text. When the quantity of data is not too large, this form of presentation is more suitable. Look at the following cases. So actually, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आपके पास कोई छोटा रिकॉर्ड हो, कोई छोटा डेटा हो जिसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर टेक्स्ट विद लिख कर अगर आप किसी डेटा को बताते हो, एक्सप्लेन करते हो, दैट इज़ योर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल. केस वन, इन अ बर्न कॉल गिवन ऑन 8 September 2005 प्रोटेस्टिंग द हाइक इन प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, Five petrol pumps were found open and 17 were closed, whereas two schools were closed and remaining 9 schools were found open in a town of Bihar. तो आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि बिहार में बंद है, स्ट्राइक है. किस लिए स्ट्राइक है? क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़े हैं. 8 September 2005 की बात की जा रही है, जिसकी वजह से 5 पेट्रोल पम्प खुले थे, बाकी 17 पेट्रोल पंप बंद थे. 2 स्कूल खुले थे और बाकी रिमेनिंग 9 स्कूल्स वर फाउंड ओपन इन अ टाउन ऑफ बिहार. तो इस तरीके की जब छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बतानी हो, तो दैट इज नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ लेट सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट इंडियन पॉपुलेशन हैड राइज़न टू 102 crore, विच ओनली 49 crore वर फीमेल्स अगेंस्ट 53 crore मेल्स. 2001 सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 102 crore, जिसमें से 49 crore वर फीमेल्स एंड 53 crore वर मेल्स. 74 crore पीपल रिसाइडेड इन रूरल एरिया एंड ओनली 28 crore लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज. 74 crore पीपल उनमें से रूरल एरिया में रहते हैं, बल्कि 28 crore ही पीपल हैं जो टाउन सिटीज या अर्बन एरिया में रहते हैं. वेल देर वर 62 crore नॉन वर्कर. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं? 62 crore ऐसे वर्कर्स हैं जो जॉब नहीं करते, एंड 40 crore वर्कर्स ऐसे हैं जो कि काम करते हैं. अर्बन पॉपुलेशंस हैड एन इवन हायर शेयर ऑफ नॉन वर्कर्स, 19 crore अगेंस्ट वर्कर. नाउ इसे फर्दर डिवाइड कर दिया है, अर्बन पॉपुलेशन में काम करने वाले कितने हैं? 9 crore, और नॉन वर्कर्स हैं 19 crore. As compared to the rural population, where there were 31 crore workers out of 74 crores, और rural area में क्या है? 31 crore workers हैं जो काम करते हैं, 74 crore population क्या है? Non-workers. Sorry, 74 were total population, out of which 31 crore workers are there, and you have to subtract it, and the rest are non-workers. In both the case, data have been presented only in the textual form. So that's why it is known as textual descriptive classification or descriptive presentation. A serious drawback of this method of presentation is that one has to go through the complete text of presentation for comprehension. But it is also true that this matter often enables one to emphasize certain points of the presentation. अब इसका सबसे बड़ा drawback क्या होता है textual का, कि जब तक आप पूरा पैरा ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको सही फिगर्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे, आप इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे. ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है टेबुलेशन फॉर्म. टेबुलेशन प्रेजेंट में आप इजीली जल्दी से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब तक आप कंप्लीटली ना पढ़ो तो आपको उसे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. नाउ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन फॉर्म इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. In a tabular presentation,
data are presented in rows, it means horizontally, and columns, yani vertically. So these are the examples, horizontal and vertical. For example, see table 4.1, tabulating information about literacy rate. It has three rows for male, female and total, and three columns for urban, rural and total. अगर आप 4.1 टेबल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको हॉरिजॉन्टली क्या दिया हुआ है, दिस इज मेल, फीमेल एंड टोटल. एंड वर्टिकली क्या गिवन है, रूरल, अर्बन लोकेशन एंड टोटल. सो ये दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. नाउ इट इज कॉल्ड 3x3 टेबल. व्हाई इट इज कॉल्ड 3x3? बिकॉज there were three horizontal columns and three vertical. ठीक है, male, female, total three, rural, urban, total three, again 3x3. The presentation table यहाँ पर जो example दिया गया है इसमें 3x3 है, but further अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, table giving 9 items of information in 9 boxes called the cell of the table. ये जितने भी आपको boxes में information provide की गई है, that is known as cell. Each cell gives information that relates an attribute of gender, male, female or total. हर cell में आपको information provide की गई है according to their heads, male, female or total, with the number, literacy percentage of rural people, urban people and total. और किस से related information है, literacy rate से related information है, literacy rate females की, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, फीमेल्स की एंड मेल्स की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन इज दैट इट ऑर्गेनाइजेज डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. क्लासिफिकेशन यूज इन द टेबुलेशन इज ऑफ 4 kinds. सबसे इजीली जो कॉम्प्रीहेंड किया जा सकता है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है, जो कि स्टैट्स में ज़्यादातर यूज भी किया जाता है अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए. नाउ प्रेजेंटेशन, आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन फॉर द 4 types में डिवाइडेड है. दीज 4 types आर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशल. नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स सच अ सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी एट्सेट्रा, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. For example, in table 4.1, the attributes for classification are sex and location, which are qualitative in nature. So here is an example of qualitative nature. Qualitative nature क्या होता है, जब आप किसी physical status के according या nationality के according आप किसी की quality के according कोई classification करते हो, that is your qualitative classification. Next is your quantitative classification. Now quantitative refers to the numbers. In quantitative classification, the data are classified on the basis of characteristics which are quantitative in nature. Quantitative means numbers. In other words, these characteristics can be measured quantitatively. For example, age, height, production, income, etc. are quantitative characteristics. क्यों? क्योंकि age जब आप किसी को बताते हो तो you tell them numbers. ठीक है, अगर आप किसी की एज 18 है, 17 है, तो ऑल दीज आर नंबर्स. हाइट भी आपको नंबर्स में ही बताते हो. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी नंबर्स में आपको बताई जा रही है, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल इनकम, अगर कोई भी पर्सन 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है तो आप उसे 50,000 बताओगे. तो 50,000 अगेन क्या है, क्वान्टिटेटिव नंबर है. तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एट्रीब्यूट जो कि आपको नंबर्स में आंसर दे, दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. तो क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये टेबल 4.2 में आप देखो. जैसे एज ग्रुप्स है, नंबर ऑफ रेस्पॉन्डिंग है, परसेंटेज है, तो एवरीथिंग इज गिवन इन नंबर्स. दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन, जब आप नंबर्स में कोई टेबल फॉर्म कर रहे हो. अब सी इन दिस 4.2 टेबल, आप यहाँ पे देखो, फिगर्स आर गिविन, एज ग्रुप्स आपको बताया 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, दिस इज योर कंटिन्यूस सीरीज. नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज गिविन 361, 132, 153, देन
dash 51, 2, again total is blank, then percentage is given to you. You have to solve this. In the next class, we will discuss how this missing values will be recovered by, you try first, then I will tell you the correct answer. Thank you.